To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. आज हम लोग कक्षा अष्टम के संस्कृत के कालांश में सप्तम पाठ का हम लोग अपने अध्ययन कर रहे हैं। सप्तम पाठ में घर में प्रयोग होने वाले सामग्रियों के नाम बताए गए हैं, तो हम लोग जानेंगे उन सामग्रियों को हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं या संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्या नाम। तो पिछले कुछ कलाशों में हम लोग ने बहुत सामग्रियों का नाम लिया, तो हम आज इसी क्रम में कुछ और सामग्रियों के नाम दिए गए हैं और उसको जानेंगे। इसका हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे और अपने कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। यहाँ पर फिगर हम कहीं बना रहे हैं लेकिन आपके बुक में फिगर भी है, चित्र भी है दिया हुआ, चित्र दर्शाया गया है, जिससे लेकर के भी आप समझ सकते हैं कि किस का यह चित्र है। तो आइए हम लोग शुरू शुरू उच्चारण करना जानते हैं। बेलनी 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 अर्थात बेलन, बेलनी अर्थात बेलन, जो हम लोग के माँ बहने रोटी बनाती हैं और आटा को जिसे बेलती है उसी जो लकड़ी का रहता है उसको बेलन बोलते हैं और संस्कृत में बेलनी बोलते हैं। बेलनी बेलनी अर्थात बेलन। चस्का धानिका, चस्का धानिका, चस्का क्या, चस्का धानिका अर्थात प्याला, जो हम लोग चाय पीते हैं और कप रखने का जो नीचे एक ठोस प्याला रहता है उसी को प्याला बोलते हैं, उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं चस्का धानिका। क्या बोलते हैं? चस्का धानिका अर्थात प्याला। कुपी 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 अर्थात बोतल, हम लोग के घर में जो बोतल होता है उसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कुपी 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 अर्थात बोतल। कुपी कुपी अर्थात बोतल। दंत फेनकम, दंत फेनकम, दंत फेनकम, दंत मंजन, हम लोग जो टूथपेस्ट बोलने जिसे बोलते हैं सुबह सुबह जगने के बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हम लोग पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश में जो पेस्ट लगाते हैं उसी को हम संस्कृत में दंत फेनकम से बोलते हैं। दंत फेनकम अर्थात दंत मंजन। वस्त्र फेनकम, वस्त्र फेनकम, वस्त्र फेनकम अर्थात कपड़ा धोने का साबुन जो होता है उसे हम संस्कृत में वस्त्र फेनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्त्र फेनकम अर्थात कपड़ा धोने का साबुन। स्नान फेनकम, स्नान फेनकम, स्नान फेनकम, क्या हुआ? स्नान फेनकम अर्थात स्नान करने के, नहाने के समय हम जिस साबुन का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं स्नान फेनकम। सुफेनकम, सुफेनकम, सुफेनकम अर्थात सर्फ, हम लोग कपड़ा धोने के लिए जो सर्फ का प्रयोग करते हैं जिसे बाल्टी पानी में घोल करके वस्त्र धोते हैं उसे बोलते हैं सुफेनकम, सुफेनकम, सुफेनकम अर्थात सर्फ। दूरवाणी, दूरवाणी, टेलीफोन, टेलीफोन को हम लोग दूरवाणी बोलते हैं, अब तो खैर चलवानी बोलते हैं, चलवानी, लेकिन अभी भी है दूरवाणी का, टेलीफोन का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं दूरवाणी अर्थात टेलीफोन, जो तार से जुड़ा रहता है। टेलीफोन अर्थात दूरवाणी। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, दर्शन ही उसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में टेलीविजन या शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं टीवी। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम अर्थात दूरदर्शन। आकाशवाणी, 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 आकाशवाणी का हम लोग के घर में ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है लेकिन आकाशवाणी पहले होता था, आकाशवाणी बोलते हैं रेडियो को, रेडियो को संस्कृत में आकाशवाणी, हिंदी में भी आकाशवाणी प्रयोग होता है। दंत कुर्चकम, दंत कुर्चकम, कम दंत कुर्चम, दंत कुर्चम, दंत कुर्चम अर्थात ब्रश,
हम लोग दांत साफ करने के लिए जो ब्रश ब्रश का प्रयोग करते हैं उसे दंत कुर्चम बोलते हैं। दंत कुर्चम, जिह्वा मार्जनी, जिह्वा मार्जनी, जिह्वा मार्जनी, जिह्वा मार्जनी अर्थात जिह्वा, जीभ को साफ करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसका नाम है जिह्वा मार्जनी। हिंदी में हम लोग उसे जिह्वा बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं जिह्वा मार्जनी। तो प्यारे भैया बहनों, इन सभी शब्दों को आप अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे, आपके पास बुक होगा वहाँ से भी लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध इसका लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके शुद्ध शुद्ध याद करेंगे। पुनः हम अगले कारांश में सामग्रियों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, आप अपना ग्रीन कार्ड पूरा करेंगे।